अभी कुछ दिन पहले ही एंड्रयू टेट को रोमेनियन पुलिस के द्वारा ग्रेटा थनबर्ग और दो पिज्जा बॉक्सेस के चक्कर में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन क्यों? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शर्मा और आज हम इस वीडियो में डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कैसे एंड्रयू टेट पूरे वर्ल्ड की यूथ के साथ खिलवाड़ कर रहा है। एंड्रयू टेट ने अपना करियर एक किक बॉक्सर बनकर शुरू किया, वहां से वो कसिनो और कैम गर्ल्स के बिजनेस में पड़ गया जहां पर उसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स छापे। और जैसे ही कोविड ने एंट्री मारी, समय बदल गया और सिचुएशंस भी, सबके लिए भी और एंड्रयू टेट के लिए भी, और उसका ये सट्टा बाजारी वाला बिजनेस ठप्प पड़ गया। दोस्तों यही वो पॉइंट था जहां एंड्रयू टेट ने सोशल मीडिया पर पूरी तरह से आना शुरू किया था। वैसे तो वह सोशल मीडिया पर 2016 से वीडियो बना रहे थे, बट एंड्रयू टेट के 2016 वाले कंटेंट को कोई भी ज्यादातर पसंद नहीं करता था। लेकिन धीरे धीरे एंड्रयू टेट को रियलाइज हुआ कि उनके टॉक्सिक ओपिनियंस कैसे चर्चा का विषय बनते जा रहे हैं। इनके ओपिनियंस बहुत ज्यादा रूड और रेडिकल थे। दिल्ली एंड्रयू टेट की वीडियोज उन लड़कों को टारगेट करती हैं जो 18 से 25 साल के बीच में हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं और जिनके पास कोई फ्यूचर प्लान्स नहीं है। और जैसे ही एंड्रयू टेट को अपनी टारगेट ऑडियंस मिली, एंड्रयू टेट ने वीडियोस बनाने की रफ्तार और बढ़ा दी। धीरे धीरे अपने ओपिनियंस को वो दिन पर दिन रूड और रूड करता गया। ये बंदा सोशल मीडिया पर इतना पॉपुलर हो गया कि गूगल के मोस्ट सर्च्ड पर्संस की लिस्ट में इसने टॉप कर दिया, और इसके रेडिकल ओपिनियंस की वजह से इसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया गया, जैसे ट्विटर। बट एक प्लेटफॉर्म दुनिया में ऐसा है जिससे इसको बैन नहीं किया गया, प्लेटफॉर्म है टिकटॉक। जी हाँ, वही टिकटॉक जहाँ तमाम नमूने मुजरा करते हैं, जो को छोड़कर टिकटॉक पर अपना रेडिकल ओपिनियंस देने पर लगा रहा। और धीरे धीरे एंड्रयू टेट ने अपना एक कोर्स लॉन्च किया, द सो कॉल्ड सेल्फ इम्प्रूवमेंट कोर्स फॉर मैन। कहानी इतनी सिंपल नहीं है दोस्तों जितनी ये दिखती है। पता है एंड्रयू टेट के इस कोर्स में क्या है? पढ़ाई में क्या रखा है? अल्फा मेल बनो। नौकरी में क्या रखा है? नौकरी कौन करता है? बीटा मेल बनो। जी Go to your job. सिग्मा मेल, अल्फा मेल, ये सारे के सारे फालतू के टर्म्स इसी बंदे के द्वारा क्रिएटेड हैं। रियल बिजनेस ऑफ एंड्रयू टेट, दुनिया को दिखाने के लिए ये अपना फालतू का सेल्फ इम्प्रूवमेंट कोर्स सेल करता है। जो बंदा खुद अपनी जिंदगी में सट्टेबाज हो, वो दूसरों को क्या जिंदगी में राह दिखाएगा? अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी वीडियोस में ऐसा क्या है और इसकी वीडियोस का बिजनेस रन कैसे करता है। एक्चुअली इसने पूरे वर्ल्ड में हर बंदे को ये एक्सेस दे रखा है कि इसके कोर्स की और इसकी किसी भी वीडियो को आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल सकते हो और आप पर कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। इवन इतना ही नहीं, आप वीडियो डालो, इसके कोर्स की लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालो, और अगर आपकी लिंक के थ्रू उस कोर्स को कोई खरीदता है तो आपको परसेंटेज मिलेगा, मतलब आपको कमीशन भी मिलेगा। ये कमीशन ही है जिसके चलते ये बंदा पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है, इज एक्चुअल बिजनेस। कुछ दिनों पहले ही रोमेनियन पुलिस ने इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब मानव तस्करी और मल्टीपल रेप चार्जेस के अगेंस्ट अरेस्ट कर लिया। जी हाँ, आप एकदम सही समझे, कोई भी इतनी आसानी से पैसे वाला नहीं बन सकता। सबको हार्ड सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं। अगर सभी के लिए रास्ते इतने आसान होते तो आपको गली गली में अडानी और अंबानी क्यों ना दिखाई देते। एक्चुअली द होल समरी इज, ये बंदा पैसा इलीगली कमाता है थ्रू ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बाय द बिजनेस ऑफ कैम गर्ल्स, एंड पूरे वर्ल्ड को ये शो करता है कि ही इज अ बिजनेसमैन, बट ही इज अ फ्रॉड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड इफ यू थिंक द इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी देन प्लीज डू